गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। चैप्टर आपका है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल मींस खनिज, एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऊर्जा के संसाधन। 10th क्लास में ज्योग्राफी में आपने ये चैप्टर किया था, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत उसमें याद हो तो। अब दो चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, देखो दो चीज़ें कवर होंगी, एक तो मिनरल्स के बारे में कवर होगा, दूसरा एनर्जी रिसोर्सेज, जो हमारे पास ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे हमारे को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मिनरल क्या है, ये डेफिनेशन आपने 11th क्लास में ही पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी है। ए मिनरल इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इन और इनऑर्गेनिक ऑरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक ऐसा खनिज, एक ऐसा चीज़ जो ज़मीन के अंदर से हम खोद कर निकालते हैं, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, बात समझ में आई, इस और उसकी कोई ना कोई केमिकल, रासायनिक और फिजिकल भौतिक फीचर्स अवेलेबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो आपने ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाली, उसकी कोई केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स हैं, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीज़ें आई, ऑर्गेनिक जो डेड पार्टिकल से बने हैं, क्लियर, इनऑर्गेनिक जो डेड पार्टिकल से, जैसे डेड एनिमल्स और डेड जो भी लाइफ है, वेजिटेशन है, उससे नहीं बने हैं, क्लियर। इसको हम आगे क्लियर करेंगे। तो मिनरल्स मीन्स एक ऐसी चीज़ जो ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाली गई है, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं मिनरल्स के टाइप की। देखिए दो टाइप्स हैं मिनरल्स की, एक मेटेलिक और दूसरी है नॉन मेटेलिक। हिंदी में आ जाएगा धात्विक, अधात्विक। मेटेलिक मीन्स जिसके अंदर मेटल अवेलेबल है, जिसके अंदर धातु अवेलेबल है, इट्स ए मेटेलिक। नॉन मेटेलिक जिसके अंदर धातु अवेलेबल नहीं है, जिसके अंदर मेटल अवेलेबल नहीं है, इट्स कॉल्ड ए नॉन मेटेलिक। पहले हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल की। तो जब हम मेटेलिक मिनरल की बात करते हैं तो मेटेलिक के एग्जांपल देखिए, आयरन ओर, आयरन एक मेटल है, एक धातु है, कॉपर एक धातु है, मैंगनीज हो गया, ठीक है, निकल हो गया आपका, तो इन सभी के अंदर क्या है, मेटल अवेलेबल है, एक धातु अवेलेबल है, इट्स ए मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक की हम बात करते हैं तो नॉन मेटेलिक में आपके जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आ गए, जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, मीका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सारे आपके क्या है, नॉन मेटेलिक, इनके अंदर कोई मेटल अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ से आपको मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक क्या है। जब हम वापस मेटेलिक की बात करते हैं तो इट्स टू टाइप मेटेलिक आपके पास, धात्विक दो तरह का है, एक फेरस एक नॉन फेरस। फेरस को हिंदी में हम कह देते हैं लोहा युक्त, क्या बोल देंगे इसको हमें, लोह युक्त, जिसके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल होते हैं। नॉन फेरस मीन्स अलोह युक्त, जिसके अंदर लोहे के अंश अवेलेबल नहीं रहते हैं। क्लियर डिफरेंस, मेटेलिक दो तरह का हो गया, देखो दोनों ही मेटल हैं, लेकिन एक वो जिसके अंदर आयरन अवेलेबल है, आयरन कंटेंट है, एक वो जिसके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जिसके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल है फेरस, जिसके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इट्स ए नॉन फेरस। फेरस के हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, लोहा आयसक हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, निकल हो गया, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। नॉन फेरस की हम बात करते हैं जिसके अंदर लोहा अवेलेबल नहीं है, गोल्ड है, गोल्ड आपने देखा है, गोल्ड लोग पहनते हैं, उसके अंदर लोहा अवेलेबल नहीं है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर के कई बार जैसे टैप, वाटर टैप वगैरह होगी, जब वो ख़राब हो जाते हैं तो हम बर्तन की दुकान पे उसको जब वापस करने जाते हैं तो उसको वो लोग ख़रीदते हैं तो चेक करते हैं मैग्नेट से कि कहीं इसके ऊपर कॉपर का घोल तो नहीं लगा हुआ, अंदर ये लोहे की चीज़ हो, तो उसको मैग्नेट से चेक करते हैं कि अगर मैग्नेट उसको पकड़ लेता है मीन से, उसके अंदर आयरन कंटेंट है, तब वो नॉन फेरस नहीं होगा।
खाली घोल करने से नॉन फेरस नहीं होता है। क्लियर हो गया फेरस एंड नॉन फेरस। हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक की भी दो कैटेगरी, एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर फॉसिल फ्यूल्स आ गए, जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। अब यहाँ देना ध्यान से सुनेंगे इसको, ऑर्गेनिक मीन्स जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मीन्स ऑर्गेनिक वे नॉन मेटेलिक वे मिनरल्स हैं जो एंशियंट टाइम में डेड एनिमल्स, डेड लाइफ वेजिटेशन के नीचे ज़मीन के अंदर दबने से और काफ़ी लंबा टाइम गुजरने के बाद प्रेशर टेम्परेचर के कारण कन्वर्ट हो गए एक मिनरल के अंदर, इट्स कॉल्ड ए ऑर्गेनिक। जैसे कोल और पेट्रोलियम, आपने छोटे क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कोल एंड पेट्रोलियम कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे बने हैं। जब लैंड पार्ट के ऊपर वही वेजिटेशन और एनिमल्स जो भी डेड लाइफ है वो बनने के बाद जब ज़मीन के अंदर दब गए और प्रेशर और हीट टेम्परेचर के कारण कन्वर्ट हो गए एक मिनरल के अंदर, तो इट्स ए कोल, वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर आपके ओशन पार्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर ओशन का जो डेप्थ है उसके अंदर दब गई, प्रेशर हीट टेम्परेचर वहाँ पर भी रहेगा और कन्वर्ट हो गए मिनरल के अंदर, तो वहाँ आपका पेट्रोलियम मिलेगा। ध्यान रखना इसको, लैंड पार्ट पे कोल मिलेगा और आपका ओशन पार्ट के अंदर पेट्रोल मिलेगा, लेकिन दोनों ही में ही जो नीचे जो मर के जो लाइफ दबी हैं वो सेम रहेंगी। ऐसे राजस्थान में हम देखते हैं एग्जांपल, काफ़ी सर्च के बाद पीछे आई बात है कि यहाँ पेट्रोलियम कंटेंट अवेलेबल है, यानी कि पेट्रोल की कुछ क्वांटिटी अवेलेबल है, जबकि राजस्थान तो लेक लैंड पार्ट है। तो मीन्स एंशियंट टाइम में राजस्थान जहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पर एक सी था, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पेट्रोलियम मिला है। तो ये चीज़ भी हमारे को साथ में प्रूफ मिलता है कि एंशियंट टाइम में आज जो लैंड फॉर्म्स है वो एंशियंट टाइम में ऐसा लैंड फॉर्म नहीं था। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, जैसे मिक्का हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ग्रेफाइट, ये इस तरह से नहीं बने जैसे आपका कोल एंड पेट्रोलियम बना है। क्लियर, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे पहली बात इसमें आपने करनी है, इस टेबल को आप प्रॉपरली नोटबुक के अंदर बनाएंगे, फर्स्ट आप करेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक के अंदर डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस के अंदर एक तो सबसे पहले आपके में डेफिनेशन आ गई, फिर एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। और हम मेटालिक की बात करते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड है, शाइनिंग है इनके अंदर, ठीक है। और अगर हम नॉन मेटालिक की बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव लस्टर, ठीक है, इतने ज़्यादा हार्ड है ये नहीं है और ना इनके अंदर वो शाइनिंग है। मेटेलिक की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली आपको इग्निशियस रॉक के अंदर मिलते हैं। किस रॉक के अंदर मिलेंगे आपको? इग्निशियस रॉक के अंदर। और नॉन मेटेलिक आपको मेनली किसके अंदर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक के अंदर। क्लियर। हिट होने के बाद देखो, कोई भी पत्थर है जो कोई भी टूटेगा तो, लेकिन एक नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये हार्ड होने के कारण ये इतने ज़्यादा फॉर्म में नहीं, इतने ज़्यादा पीसेस में नहीं टूटेंगे, जबकि नॉन मेटेलिक हो गई ये आपके कई पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। एंड मेटेलिक की अगर हम बात करते हैं, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, ठीक है। और दे आर नॉट डक्टाइल एंड मेलेबल, एंड जब हम इसकी बात करते हैं मेटेलिक की, नॉन मेटेलिक की, तो दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, लचीले। एक चीज़ को हम आसानी से उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, लचीला है। और एक को हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जो ज़्यादा हार्ड होगा हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और जो सॉफ्ट होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे, फेरस और नॉन फेरस, एक ही डिफरेंस आप करेंगे, ठीक है। टेबल को बनाएंगे और दो डिफरेंस आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे और इसको प्रॉपरली अपना याद करेंगे। फेरस और नॉन फेरस, देखिए फेरस और नॉन फेरस, यानी कि जिसके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल होता है फेरस, जिसके अंदर आयरन कंटेंट अवेलेबल नहीं होता नॉन फेरस। नोटबुक के अंदर डिफरेंस है उसको आप रीड करें और फिर नोटबुक के अंदर क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट करके इसको याद करेंगे। थैंक यू।